हेलो फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ क्यूमिन के फ़ायदों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कि जीरे खाने के कौन कौन से फ़ायदे होते हैं और यह आपके लिए किस तरह से फ़ायदेमंद होता है, आपके शरीर को किस तरह से इससे फ़ायदा होता है। तो दोस्तों, जीरा जो होता है उसकी प्रकृति होती है गर्म, और जीरा जो होता है वह दो प्रकार का होता है, सफ़ेद जीरा और काला जीरा। दोस्तों, यदि हम सफ़ेद जीरा की बात करें तो यह बेसिकली भारतीय मसालों के रूप में उपयोग किया जाता है, जिसका प्रयोग छोंकने के काम में लिया जाता है। दोस्तों, जीरा जो होता है वह आपकी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि जीरे में लोहा होता है जो कि आपके शरीर में हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है और जिससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। जीरा जो होता है वह पाचन क्रिया के लिए बहुत ही अच्छा होता है और पैनक्रियाज के स्राव को भी बढ़ाता है, जिससे कि आपका इम्यून सिस्टम बनता है और अच्छा होता है। जीरा शरीर को ठंडक देता है, इस कारण गर्मी के मौसम में हर नमकीन पेय या जैसे कि दही, छाछ, सिकंजी, कैरी की छाछ, इन सभी में जीरा डालते हैं, यह शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाता है। वहीं दोस्तों, यदि हम बात करें तो जीरा जो होता है इसका सेवन करना आपको कैंसर जैसी बीमारियों से बचाता है, क्योंकि जीरे में एंटी कार्सिनोजेनिक तत्व तो मौजूद होते हैं जो कि ट्यूमर को बढ़ने से रोकते हैं, और जीरा का सेवन करना आपके लिए अच्छा होता है। इसके साथ ही जीरा जो होता है वह दर्दनाशक भी होता है। यदि आपको दर्द है, आप किसी भी तरह की बात करें जैसे कि पेट दर्द या अंडकोश में दर्द, स्तन में दर्द, बवासीर, इन सभी के दर्द में भी जीरा जो होता है वह फ़ायदेमंद होता है। यानी कि किसी भी तरह का आपको दर्द है तो आप जीरे का सेवन करिए, यह आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। इसके साथ ही अनिद्रा जैसे रोगों के लिए, हृदय रोगों से भी जीरा आपको बचा कर रखता है। तो दोस्तों, यह थे जीरे के कुछ फ़ायदे। उम्मीद करती हूँ कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि यह जानकारी आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि इसी तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास तक पहुँच सके।